वो बिल्कुल बंद हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे यूथ के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी तरीके से जो हमारे जो केएस और केपीएस ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के, इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। बाहर से जो ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, दे आर प्लेइंग द शॉट्स। हमारे जो ऑफिसर हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, और जितने भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उनका चेयरमैन, उनका हेड, इनको रखा जा रहा है। और इसी तरीके से जो अर्बन और रूरल हमारा जो बेल्ट है, इसमें कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको लूटा जा रहा है। चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो हमारा ये लिकर माफिया है, हमारा यहाँ जो माइनिंग है इसको लूटा जा रहा है। हमारा रियासत का जो सोर्स है जाती है, और इस समुदाय के साथ जो उस वक्त ये कहा गया था कि शायद 370 एक आपके रिजर्वेशन में रोड़ा है, वो बिल्कुल बंद हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे यूथ के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी तरीके से जो हमारे जो केएस और केपीएस ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के, इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। बाहर से जो ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, दे आर प्लेइंग द शॉट्स। हमारे जो ऑफिसर हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, और जितने भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उनका चेयरमैन, उनका हेड, इनको रखा जा रहा है। और इसी तरीके से जो अर्बन और रूरल हमारा जो बेल्ट है, इसमें कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको लूटा जा रहा है। चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो हमारा ये लिकर माफिया है, हमारा यहाँ जो माइनिंग है इसको लूटा जा रहा है। हमारा रियासत का जो सोर्स है जाती है, और इस समुदाय के साथ जो उस वक्त ये कहा गया था कि शायद 370 एक आपके रिजर्वेशन में रोड़ा है।